हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, आप सभी का स्वागत है नॉलेज में। आप देख रहे हैं सैनलाइज का फिफ्थ वीडियो, जहां पे आज हम बात करने वाले मास और वेट के बारे में। अगर आप एक आम इंसान हो गए तो आपको जरूर लगता होगा कि मास और वेट दोनों ही एक चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही होता है, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं मास के बारे में। तो मास को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग। अमाउंट ऑफ मैटर जो भी हमारे, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे बॉडी में कितना मैटर है उसी को कहा जाता है मास। तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग अगर अर्थ पे हाँ, तो हमारा अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे हम मान ले कि हमारा मास 1 किलोग्राम है, लेकिन अगर हम लोग समझ लिए कि अगर हम लोग मून पे चले गए, क्या मून पे हमारा मास बदल जाएगा? तो ऐसा नहीं है, हमारा मास मून पे भी 1 किलोग्राम रहेगा। तो क्या इससे हमें मालूम पड़ता है कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी कोई भी जगह हम लोग जाए मास कांस्टेंट रहता है। और मास असल में एक स्केलर क्वांटिटी है और ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। किलोग्राम के बारे में बता दूं, किलोग्राम को अभी रिसेंटली रिडिफाइन किया गया है, तो उसका वीडियो आप जरूर जाके देखे। वो मैंने आई टेन में उसका वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, जिस वीडियो को मैंने अभी फिलहाल बनाया था। ये तो बात हो गई मास की, अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। तो आखिर ये वेट क्या होता है? तो वेट को अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो वेट असल में फोर्स का एक टाइप है जो कि पैदा होता है ग्रेविटी के द्वारा। अब आपको मैं बता दूं, जहां अब इस वीडियो में जिस ग्रेविटी के, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूं, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। और जो कैपिटल जी से जो डिनोट किया जाता है ग्रेविटी की प्रॉपर्टी को, वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं बता दूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप प्लीज इन दोनों चीजों को रिलेट ना करिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से वेट पैदा होता है। मान लीजिए एक बॉल है, तो बॉल का मास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मास m है, तो इसका वेट कितना होगा? तो वेट क्या होता है? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स होता है F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पे इसका मास m है, लेकिन इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? तो बता दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हरदम नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, वो एक, अब जो एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका एक डायरेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्शन हरदम नीचे की तरफ होता है। तो इस पे जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ है, वेट जो है फोर्स वो नीचे की तरफ है। तो इसका जो अभी वेट है वो है m into g, वो सब बॉडी का। जैसे अगर मैं 10 kg का हूँ तो मेरा वेट कितना होगा? मेरा वेट होगा 100 न्यूटन। अब वेट का मैं बता दूं, वेट का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन है, और वेट क्योंकि फोर्स है तो सीधी सी बात है वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब भी हम कोई फिजिक्स में जैसे सम करते हैं या फिर कोई भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग आमतौर पे जी की वैल्यू 10 लेते हैं, जिससे मतलब आसानी पड़ती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम लोग जी की वैल्यू 10 लेते हैं, लेकिन जी की जो अप्रोक्सीमेट सही वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब बड़ा सवाल कि क्या वेट मास की तरह सभी जगहों पर कांस्टेंट रहता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरा वेट जो अर्थ पे है वो है 10 न्यूटन, तो क्या ये वेट मून पे भी ऐसा रहेगा? तो मून पे मेरा वेट असल में ये हो जाएगा, मेरा वेट 10 न्यूटन नहीं रहेगा, मून पे चेंज होगा। ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स पे और अलग अलग जगहों पर मेरा वेट चेंज होगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जो है वो है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो है मून पे वो अलग है, जुपिटर पे अलग है, मार्स पे अलग है, अर्थ पे अलग है, तो इस वजह से हमारा वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो इस वजह से हमारा जो वेट है वो भी अलग अलग होगा, वो भी वेरी करेगा अलग अलग प्लैनेट पे। तो यही रीजन है जिसकी वजह से वेट कांस्टेंट सब जगह नहीं रहता। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है वेट और मास के बीच में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।
मुझे बहुत खुशी होगी उस डाउट को क्लियर करते हुए। तो अगर आप नए आगे मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद नोलॉजी।